अयोध्या के राजा दशरथ एक बार भ्रमण करते हुए वन की ओर निकले। वहां उनका सामना बाली से हो गया। राजा दशरथ की किसी बात से नाराज होकर बाली ने उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दे दी। राजा दशरथ की तीनों रानियों में से कैकेयी अस्त्र शस्त्र एवं रथ चालन में पारंगत थी। अतः अक्सर राजा दशरथ जब कभी कहीं भ्रमण के लिए आते जाते तो कैकेयी को भी अपने साथ ले जाते थे। इसलिए कई बार वह युद्ध में राजा दशरथ के साथ होती थी। जब बाली और एवं राजा दशरथ के मध्य भयंकर युद्ध चल रहा था, उस समय संयोगवश रानी कैकेयी भी उनके साथ थी। युद्ध में बाली राजा दशरथ पर भारी पड़ने लगा। वह इसलिए क्योंकि बाली को यह वरदान प्राप्त था कि उसकी दृष्टि यदि किसी पर भी पड़ जाए तो उसकी आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाती थी। अतः यह तो निश्चित था कि उन दोनों के युद्ध में राजा दशरथ की हार होनी थी। राजा दशरथ के युद्ध हारने पर बाली ने उनके सामने एक शर्त रख दी, या तो अपनी पत्नी कैकेयी को यहाँ छोड़ जाएं, या रघुकुल की शान अपना मुकुट यहाँ पर छोड़ जाएं। तब राजा दशरथ को अपना मुकुट वहाँ छोड़ रानी कैकेयी के साथ वापस अयोध्या लौटना पड़ा। रानी कैकेयी को यह बात बहुत दुखी। आखिर एक स्त्री अपने पति के अपमान को अपने सामने कैसे सह सकती थी। यह बात उन्हें हर पल कांटे की तरह चुभने लगी कि उनके कारण राजा दशरथ को अपना मुकुट छोड़ना पड़ा। वह राजमुकुट की वापसी की चिंता में रहती थी। जब श्री राम के राज तिलक का समय आया, तब राजा दशरथ जी एवं कैकेयी को मुकुट को लेकर चर्चा हुई। यह बात तो केवल यही दोनों जानते थे। कैकेयी ने रघुकुल की आन को वापस लाने के लिए श्री राम के वनवास का कलंक अपने ऊपर ले लिया और श्री राम को वन भिजवाया। उन्होंने श्री राम से कहा था कि बाली से मुकुट वापस लेकर ही आना। श्री राम ने जब बाली को मारकर गिरा दिया, उसके बाद उनका बाली के साथ संवाद होने लगा। प्रभु ने अपना परिचय देकर बाली से अपने कुल की शान मुकुट के बारे में पूछा। तब बाली ने बताया, रावण को मैंने बंदी बनाया था, जब वह भागा तो साथ में छल से वह मुकुट भी लेकर भाग गया। प्रभु मेरे पुत्र को सेवा में ले लें, वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर आपका मुकुट लेकर आएगा। जब अंगद श्री राम के दूत के बनकर रावण की सभा में गए, वहां उन्होंने सभा में अपने पैर जमा दिए और उपस्थित वीरों को अपना पैर हिलाकर दिखाने की चुनौती दे दी। रावण के महल के सभी योद्धा ने अपनी पूरी ताकत अंगद के पैर को हिलाने में लगाई, परंतु कोई भी योद्धा सफल नहीं हो पाया। जब रावण के सभा के सारे योद्धा अंगद के पैर को हिला ना पाए, तो स्वयं रावण अंगद के पास पहुंचा और उसके पैर को हिलाने के लिए जैसे ही झुका, उसके सर से वह मुकुट गिर गया। अंगद वह मुकुट लेकर वापस श्री राम के पास चले आए। यह महिमा थी रघुकुल के राज मुकुट की। राजा दशरथ के पास से जब वह मुकुट गया तो उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ी। बाली से जब रावण वह मुकुट लेकर गया तो बाली को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इसके बाद जब अंगद रावण से वह मुकुट लेकर गया तो रावण को भी अपने प्राण गंवाने पड़े। तथा कैकेयी के कारण ही रघुकुल की लाज बच सकी। यदि कैकेयी श्री राम को वनवास नहीं भेजती तो रघुकुल सम्मान वापस नहीं लौट पाता। कैकेयी कुल के सम्मान के लिए सभी कलंक एवं अपयश अपने ऊपर लिए। अतः श्री राम अपनी माताओं में सबसे ज्यादा प्रेम कैकेयी से करते थे। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके मुझे अवगत कराइएगा। साथ ही आप इस कहानी में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और जय हिंद दोस्तों।